तेल शनि से संबंधित पदार्थ है। तेल का हमारे जीवन में बहुत बड़ा योगदान है। तेल के कई फायदे और नुकसान भी हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चमेली के तेल की। तो चमेली के तेल को अगर हम हर मंगलवार या शनिवार को सिंदूर में मिलाकर अगर हनुमान जी को अर्पित करते हैं तो हमारे बहुत सारे असाध्य रोग जो हैं वो खत्म होते हैं और हमें बहुत लाभ मिलता है। नियमित रूप से हनुमान जी की धूप अगरबत्ती जलाते हैं, हार फूल अर्पित करते हैं, हनुमान जी को चमेली का तेल लगाते हैं, उनका दीपक, चमेली के तेल का दीपक ध्यानपूर्वक सुनिए, हनुमान जी को नहीं लगाना है बल्कि तेल उनके शरीर पे लगाना है। तो ऐसा करने से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। अब हम बात करते हैं सरसों के तेल की। तो एक कटोरी में अगर सरसों का तेल लेकर उसमें अगर अपनी छाया देखते हैं आप और उसे शनिवार के दिन शनिवार की शाम को शनिदेव के मंदिर में रख आते हैं, इसके अलावा आप शनिदेव पे अलग से तेल भी चढ़ा सकते हैं। इस उपाय को करने से आपके ऊपर शनिदेव की कृपा बनी रहती है। अब हम बात करते हैं तिल के तेल की। तो तिल के तेल का दीपक अगर हम 41 दिन तक लगातार पीपल के पेड़ के नीचे जलाते हैं तो असाध्य रोग जो हैं उसमें हमें भरपूर लाभ मिलता है और रोगी जो है वो स्वस्थ हो जाता है। भिन्न भिन्न साधनाओं व सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए भी पीपल के पेड़ के नीचे ये दीपक जलाया जाता है, इसका विधान है। अब हम बात करते हैं अगर आपको कोई शारीरिक कष्ट है तो उसे दूर करने के लिए शनिवार को 1.25 किलो आलू व बैंगन की सब्जी सरसों के तेल में बनाएं, उतनी ही पूड़ियां जो हैं वो सरसों के तेल में बनाएं और अंधे लंगड़े व गरीब लोगों को भोजन खिलाएं। ऐसा कम से कम 3 शनिवार करें तो आपका सारा शारीरिक कष्ट दूर हो जाएगा। अगर आपको धन संबंधी दिक्कत आ रही है तो आप कच्ची खानी के तेल के दीपक में लौंग डालकर हनुमान जी की आरती करें, आपके सारे अनिष्ट दूर होंगे और धन की प्राप्ति होगी। अगर आप घर में सुख शांति चाहते हैं, खुशहाल परिवार चाहते हैं, खुशहाल जीवन चाहते हैं तो किसी भी आश्रम में कुछ आटा और सरसों का तेल का दान करें, इससे आपके घर में खुशहाली आएगी। अगर आप पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जो है वो लगातार 41 शनिवार तक जलाते हैं तो आपको मनवांछित फल मिलते हैं, आपको मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। तो ये तेल के कुछ उपाय मैंने आपको बताए जो आप कर सकते हैं। इसको करने से आपके घर के अंदर, आपके परिवार के अंदर पॉजिटिविटी आएगी और आपके जो पारिवारिक चीज़ें हैं, जो पारिवारिक लाभ जो आपको मिलना है वो आपको भरपूर तरीके से मिलेगा। थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।